बदकिस्मती से जहां 7 साल पहले छोड़ा, लगभग वहीं का वहीं रहा है। जो एज MLA, एज चीफ मिनिस्टर, यहां पे गांधरबल के लिए हमने कुछ प्रोजेक्ट्स देखे थे, कुछ ख्वाब देखे थे, चाहे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के हिसाब से हो, चाहे वो न्यू गांधरबल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का हो, इसी तरह और हमने यहां प्रोजेक्ट देखे थे। बदकिस्मती से खत्म करना तो दूर की बात, उन पे आज काम भी कुछ खास नजर नहीं आता। जहां काम शुरू हुए वहां पे भी लोकल लोगों को उन कामों का फायदा पहुंचा नहीं। बिल्कुल सही कहा मियां अल्ताफ साहब ने, बहुत पुरानी मांग थी लोगों की, खासकर सोनमर्ग की सर्दियों में सोनमर्ग कट नहीं जाना चाहिए। गर्मियों में चलिए टूरिज्म का रहता है, लेकिन सर्दियों में जो वहां पे टूरिज्म का पोटेंशियल होता है उसका सही इस्तेमाल होना चाहिए। हमने कहा चलिए ना, ये जेड मोड जो है वहां टनल बनना चाहिए। राहुल गांधी के साथ मैं उस वक्त था जब हमने वहां संगे बुनियाद रखा, शायद 2012 यही दिन नवंबर का महीना था, इन्हीं दिनों में हमने वहां टनल का संगे बुनियाद रखा। फिर हमारे दौर में काम शुरू हुआ, फिर ठप, और बहुत मुश्किल से कोशिशें कर करके फारूक साहब ने वहां पर गडकरी साहब से बात करके दोबारा यहां पे काम जो है इस टनल का करवाया। लेकिन हुकूमत को जो करना था टनल के साथ साथ वो उन्होंने किया नहीं। अपना सोनमर्ग की खूबसूरती खासकर सर्दियों में वो तब होगा जब वहां लोगों के पास कुछ करने के लिए हो। सोनमर्ग के लोगों को इतना फायदा नहीं होता है जब टूरिस्ट सुबह श्रीनगर से आता है और शाम को वापस चला जाता है। वहां होटल में कोई रहना चाहिए, वहां ढाबे में कोई खाना चाहिए, वहां स्लेज पे कोई बैठना चाहिए, वहां स्की कोई सीखना चाहिए। उमर साहब, आप पहाड़ी के उस पार और इस पार कुछ हफ्तों से लोगों के पास जा रहे हैं, क्या ये 370 के मुताबिक लोगों को समझाना है या ये इलेक्शन कैंपेन, इसको हम समझे? ये बिल्कुल इलेक्शन कैंपेन नहीं है। मैंने जगह जगह अपनी तकरीरों में यही बात की कि ये जो हमारा अपने वर्करों के साथ, अपने साथियों के साथ मिलने का सिलसिला चल रहा है, चाहे वो चिनाब वादी हो, चाहे वो पीर पंचाल हो, चाहे शुमाली कश्मीर हो, जनूबी कश्मीर हो, मकसद यही है कि अपने साथियों से मिलें, कुछ उनसे सुने, कुछ उनको सुनाएं, मौजूदा सूरत हाल का हम जायज़ा लें और कुछ ऐसी बातें उन तक पहुँचाएँ जो वो फिर आगे लोगों तक पहुंचा सकें, यही मकसद है। और इसको इलेक्शन के साथ नहीं देखा जाना चाहिए। उमर साहब, आज आपके कुछ लीडरों ने यहाँ तकरीर करके ये इशारा दिया और आपका इशारा भी था कि क्या जब इलेक्शन का बिगुल बज जाएगा यू विल बी द कैंडिडेट फ्रॉम गांधरबल कॉन्स्टिट्यूएंसी अगेन। देखिए ना, मैंने जैसे आपसे कहा ये मीटिंग इलेक्शन के बारे में था ही नहीं, और मैंने अपनी तकरीर में साफ कहा ना मैं यहाँ किसी का मैंडेट काटने आया था, ना मैं किसी के मैंडेट का ऐलान करने आया था। इलेक्शन का ब्यूगल बजा ही नहीं है तो आप लोगों को मैंडेट की क्या फिक्र है। ये मीटिंग सिर्फ और सिर्फ तंजीम को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए, और मेरे लिए बहुत ज़्यादा ये मीटिंग मायने रखती थी क्योंकि कई सालों से मैं गांधरबल वापस नहीं आया था। मुझे इनकी बहुत याद आई थी, चाहता था इनसे मिलना, आया बैठा इनके साथ, थोड़ी सी बातें हुई।